वर्णन पढ़े तो आनंद आता है, कभी कोई चौपाई याद आ जाए। मैं जानता हूं, किसको जानता हूं, दुनिया क्या वो ईश्वर को नहीं, निज नाथ को, मेरे जो स्वामी हैं। यही चीज लक्ष्मण जी ने भी बोली थी, तुम सबके सचराचर साईं, लेकिन मैं पूछूं निज प्रभु की नाई। ये देखो, इसमें प्रेम झलकता है। मैं आपके वो स्वरूप को भी जानता हूं कि आप सब जड़ जीव जंतु चर अचर के साईं हैं, ठीक है, वो आप होगा भाई, मेरे लिए आप वो नहीं है। मेरे लिए क्या है? मैं पूछूं निज प्रभु, इन दोनों भरत की अभिव्यक्ति में और लक्ष्मण की अभिव्यक्ति में दोनों ही पंक्तियों में आता है कि वो दोनों भगवान को जगत का कर्ता धर्ता मानते हैं। वो तो दार्शनिक पक्ष है, लेकिन व्यक्तिगत पक्ष ये है कि वो भगवान को स्वयं का जुड़ाव मानते हैं, वो निज शब्द को प्रयोग करते हैं। अच्छा, आपको लगता हो ये पंक्ति होवे तो एक काम कर लीजिए, आप हाथ कंगन को आर्ज, आप भी जरा बोल के देखना, बोलना मतलब जवान से नहीं, क्या ऐसी अनुभूति हमारी हो सकती है कि मैं भी निज शब्द का प्रयोग कर लूं? करके देख लो, से समझ में आ जाएगा। दुख हरता ठीक हैं और सुख दर्द देने वाले हैं वो ठीक हैं, लेकिन मेरे उनसे जो व्यक्तिगत संबंध हैं वो कैसे हैं? भाई, एक नेता होता है जिसका सभी से संबंध होता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिसका उससे व्यक्तिगत संबंध होता है। भरत जी भी तो यही बोल रहे हैं कि मैं जानूं निज नाथ स्वभाव, मैं अपने राम जी का हाँ स्वभाव को क्या कर। हम आप यही कह लें कि हम स्वभाव को जानते हैं तो भी बहुत बड़ी बात है, निज तो खैर छोड़ ही दें। यह जो निज शब्द है, यह इतनी जल्दी आसानी से व्यक्ति लगा नहीं सकता जब तक कि उसको अंदर उसकी अनुभूति न हो रही हो। अच्छा, अनुभूति हो गई, चलो, तो उसका लक्षण क्या है? बाहरी पक्ष क्या प्रकट होगा? जीवन में शरणागति बढ़ जाएगी, मतलब विपरीत परिस्थिति आने पर वो जो चंचलता चित्त में आती है, तो पहला चंचलता का आगमन, दूसरा अन्य उपायों की शरणागति की ओर जाना, ये बंद हो जाएगा। अगर वो मेरे निज नाथ हैं तो मुझे किसी के पास अन्य जाने की आवश्यकता, तो कब जा रहे हो दूसरे के घर खाना मांगने भाई, जब अपने घर से संतुष्ट नहीं हो आप। अपने घर से संतुष्ट नहीं हो तो दुनिया के घर जाओ, उसमें क्या है। लेकिन अगर उसी पे ही आपका भरोसा है तो पहली बात यह है कि चंचलता का आगमन नहीं हो सकता, भले ही परिस्थिति कितनी विपरीत हो जावे। ओहो, कूटस्थ की तरीके से खड़ा है वो, यही मानता है कि ये जो अमंगल की स्थिति है, ये अमंगल की स्थिति ही मंगल को देने वाली है। यही तो कुंती की स्थिति है। कुंती की स्थिति में यही चीज तो झलकती है कि वो दुखों को क्या कर रही है, कि मांग ही तो रही है, क्योंकि उसको पता है कि इसी जब जब भी दुख आया है तो भगवान का दर्शन तो अन्य स्थितियों में, तो वह कहती है अदर्शन की स्थिति थी। दर्शन की स्थिति तो तभी बनती है जब व्यक्ति के जीवन में दुख है, और जब दुख के समय में दर्शन हो रहे हैं तब तुम बोलते हो दर्शन वर्शन मत दो, हमारा ये काम कर दो बस ले। तो इसका मतलब आपको उस पर इतना भी भरोसा नहीं है, और ये अपनी स्थिति को क्या करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। यही हमारी वास्तविकता है, कोई बड़ी बात नहीं, यही तो भक्ति बढ़ती है। ऐसे पहले एहसास तो हो जाए इन सब चीजों का, कहीं भरत के चित्त में और लक्ष्मण जी के चित्त में चंचलता तो नहीं दिखती, और ऐसा पूरी मानस में कहीं नहीं दिखता कि उन्होंने किसी अन्य चीज का आश्रय
यह तभी हो सकता है जब निज नाथ की अनुभूति अंदर से होवे, शाब्दिक अनुभूति ना होवे। स्पष्ट होता है? और इसके बारे में सोचना जितना हो सकता है। अच्छा, ये बढ़ेगी कैसे? ये उपासना करने से ही बढ़ती है। यह जो निजनाथ की अनुभूति है, ये उपासना का परिणाम है। मैं स्पष्ट कह रहा हूं, ज्ञान का परिणाम नहीं है। उपासना से ही तो ज्ञान आता है, इसीलिए तो भक्ति सबसे पहले की गई। जितनी घनघोर उपासना होगी, उतनी ही निजनाथ की अनुभूति होगी। अगर उपासना रहित चित्त है और ज्ञान से भरा चित्त है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वह सिर्फ शब्दों का मायाजाल होगा। भोक्तये नतु मुक्तये। ये विवेक चूड़ामणि स्पष्ट भगवान भाष्यकार ने बोला। शब्द जालम, ये शब्दों का जाल होगा, अनुभूति नहीं होगी हमारी। कम होवे लेकिन अनुभूति ये जाग जाए तो बहुत अच्छा है। वेदांत के विद्यार्थी के साथ यह 70-80% दुर्घटना घटित होती है कि उसकी उपासना धीरे धीरे क्या हो गई, कम हो गई। उसका जो भक्ति भाव था वो क्या हो गया, कम हो गया। और कथाकथित वह जो ज्ञान है, वो ज्ञान आखिर आपको स्पष्ट बोलें, इतना ज्ञान होने के बावजूद क्या हमारा चित्त उस स्थिति को छू पाया? ज्ञान तो मिल गया, लेकिन जो जीवन में फल आना चाहिए वो फल तो नहीं आया। ज्ञान तो हो गया, अरे ज्ञान तो बोलते हैं एक ही उपनिषद काफी है, एक ही उपनिषद काफी है। तो इतने सालों में इस ज्ञान को लेने के बावजूद भी चित्त में वह प्रभाव क्यों नहीं पैदा हुआ? क्योंकि वह एक शब्द की वृत्ति रह गई, शब्द का जो अर्थ था वो नहीं खुल सका। वो क्यों नहीं खुल सका? उसको खुलने लायक जो जगह चाहिए वो जगह है भक्ति, वो है उपासना। तो ये उपासना का ही परिणाम है। देखो जी, क्या परिणाम है कि जिसकी व्यक्ति की उपासना जितनी अच्छी होगी, वह उसकी जो अनुभूति है ईश्वर के प्रति, वैयक्तिक और व्यक्तिगत अनुभूति उसकी ज्यादा होगी। अगर अपने मन में आप पूछो कि आपकी अभी तक की उपासना की, उसको किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, अभी तक के उपासना की व्यक्तिगत अनुभूति क्या है, व्यक्तिगत, तो क्या कहोगे आप? ऐसा प्रश्न लेके बैठिए कभी कोरे कागज पे, आते जाते सोचे व्यक्तिगत अनुभूति क्या है। कोई चीज टपकाई उसने कि नहीं टपकाई, कोई रिद्धि सिद्धि, कोई कुछ तो आपको उसने दिया कि नहीं दिया, कोई फल उस सिद्धि ने भक्ति ने आपको दिया कि नहीं दिया। यदि ऐसा चित्त खाली है तो सीधे सीधे उपाय सिर्फ एक है, चित्त को उपासना में और भी क्या करना चाहिए, लगाना चाहिए। ज्ञान का विरोध नहीं है, इससे ध्यान रखना। जनरली वेदांत का विद्यार्थी इसका विरोध ही समझ लेता है। हम तो पूर्व आचार्यों को भी देखते हैं कि वो आज तक भी अपनी उपासना को क्या करते हैं, भले ही कैसे करें, उपासना को क्यों छोड़ा जाए? वही है जो ज्ञान को क्या करती है, बढ़ाती है। हाँ, उपासना के स्वरूप अलग अलग हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि बाल्टी बाल्टी दूध और बाल्टी बाल्टी पानी डाले, ये तो बहुत उथला स्तर है। आंख बंद करके जीवन में उसकी कृपा की अनुभूति, कोई जरूरी नहीं है कि वो सब ये आडंबर ही करे, वो मन के माध्यम से ही उसकी स्मृति भी कर सकता है। ये भी साहेब, ये उससे सूक्ष्म है। तो ईश्वर के स्वभाव के बारे में उसी व्यक्ति को पता हो सकता है
जो ईश्वर के बहुत सन्निकट होवे। और मैंने आपको उदाहरण कौन सा दिया, वो लक्ष्मण जी हैं। मैं पूछूं निज प्रभु की नाही, भरत जी क्या कहते हैं, मैं पूछूं नहीं, मैं जानूं, मैं जानता हूं, बड़ा विश्वास है, बड़ा विश्वास है। अगर भरत जी ऐसा कहते, मैं जानूं निज नाथ स्वभाव, ऐसी अनुभूति होती है तब व्यक्ति ईश्वर के स्वभाव को क्या कर सकता है, जान सकता है। तो ये एक पहला पक्ष ये है कि इस आख्यायिका में भगवान के दो स्वभावों को बताया गया है, ठीक है। पहला स्वभाव यह है कि जीवन में जिसके भी जीवन में दैव वृत्ति होगी, ही दैव वृत्ति के साथ ईश्वर का नित्य संयोग माना गया है। अगर जीवन में दैवीय वृत्ति आपके है, मैं नहीं कह रहा हूं कि हम देवता बन गए, लेकिन दैवीय वृत्ति जितनी भी अच्छी होंगी, आप दैवीय वृत्तियां क्या हैं, अमानित्वम, अदम्बित्वम, अहिंसा, शांति, आर्जवम, आचार्योपासनम, शौचम, आत्म विनिग्रह, ये क्या, ये कौन सी वृत्तियां होंगी, दैवी वृत्तियां। जब जो भी चित्त में दैवी वृत्ति होगी, उस चित्त में भगवान उसकी मदद के लिए जरूर आएंगे। ये देवासुर संग्राम का अर्थ है, वो झगड़ा उगड़ा तो खैर होता ही रहता है, लेकिन उसका असली अर्थ समझना। और यही नहीं, भगवान का ये वादा है कि जब भी युद्ध होगा, किसमें किसमें, देव और असुर, ये वृत्तियां हैं, इन वृत्तियों में जब भी युद्ध होगा तो मैं देवताओं का ही पक्ष लूंगा, और लिया ही है। महाभारत में देखा तो देख लीजिए, भागवत में देखे तो ले लीजिए, यही है ना, रामायण में देखें तो ले लीजिए। भगवान ने देवों का पक्ष सदैव से ही क्या किया है, लिया है। और आपको अच्छे से कभी पढ़े हैं, इस बात पर भगवान पर पक्षपात का आरोप भी लगा दिया गया, ले। और आरोप किसने लगाया, परीक्षित ने लगाया। परीक्षित ने बोला कि वो जो वृत्तासुर था, ये जो वृत्तासुर का प्रसंग है, वृत्तासुर के प्रसंग में परीक्षित ने आरोप लगाया कि भगवान ये जो दैवी वृत्ति निजी स्वार्थ के लिए उसको क्या कर दिया, इन्होंने मार दिया। जब भी ऐसा होता है तो भगवान देवताओं का पक्ष लेते हैं, तो भगवान पर इस बात पर आरोप भी लगा, यहां तक कि ये भी आरोप लगा दिया कि ये तो क्या, कौन थी कुंती, उनकी वो तो सगे संबंधी रिश्तेदारों का ही पक्ष लेते हैं, हैं बुआ, तो बुआ का लड़का का पक्ष ले लिया उन्होंने। ऐसा भी पढ़ने में आक्षेप आता है कि सदैव रिश्तेदारों का ही क्या लिया है, उन्होंने पक्ष लिया है, ये भी आरोप है उन पर। इसलिए विद्वानों ने इसका कैसे खंडन किया पता है आपको, यदि रिश्तेदारों का ही पक्ष लिया, बहुत सही है आपकी बात, मान ली मैंने, ऑलवेज उन्होंने अपने रिश्तेदारों का ही पक्ष लिया, तो फिर पूरी द्वारिका को डुबो क्यों दिया, ये पक्ष को क्यों नहीं देखा आपने, फिर पूरी द्वारिका को किसके सहित डुबोया, और रिश्तेदारों के सहित डुबोया, तो वो पक्ष क्यों नहीं दिखा, पर क्योंकि वो पक्ष हम देखना नहीं चाहते। ये भी तो इसके साथ कहा गया कि उनमें जब असुर वृत्तियां आ गईं, तो भगवान ने पूरी द्वारिका को ही क्या कर दिया, डुबो के मार दिया, खत्म किया। इसमें विश्लेषण के साथ गड़बड़ी क्या होती है,
ईश्वर में जब ऐसा विश्लेषण होता है तो उसके साथ गड़बड़ी ये है। एक तो पहला है कि जब भी हम विश्लेषण करते हैं भगवान के बारे में, तो भगवान को भी हम अपने जैसा क्या समझने लगते हैं, मानो जैसे कि हम लोग करते हैं। जैसे ही हमने उनको अपने जैसा समझा तो वहीं से विश्लेषण क्या हो गया, गड़बड़ हो गया। अब कितनी बार तो बोल चुके कि जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। भैया हमारा जो जन्म है और जो हमारा कर्म है वो साधारण मनुष्यों जैसा, तो स्पष्ट तो कह दिया। और क्या चाहिए, जन्म कर्म चमे, हमारा और आपका जन्म कर्म तो दिव्य नहीं है, वो किसी रज और वीर का परिणाम तो नहीं है, वो किसी ने उनको ऐसा कर दिया हो इसके कारण शक्ति आ गई हो, ऐसा भी नहीं है। तो जन्म भी स्पष्ट दिखता है। तो विश्लेषण की पहली गड़बड़ी क्या है, हम भगवान को भगवान नहीं मानते। दूसरा, हम एक पक्ष से सदैव ही क्या रहते हैं, घिरे रहते हैं। इसको बोलते पक्षपाती, एकस्मिन पक्षे पतति। और उस पक्ष को लेकर हम क्या करते हैं, एक विश्लेषण प्रारंभ चालू करते हैं। आप ये टीवी पैनल पे भी तो यही सब देखते हैं, एक पक्ष को लेकर फिर हम डिस्कशन। तो आप पहुंचोगे कहां पर, अगर वह किसी पक्ष से घिरा हुआ ना हुए तो जो सही है वो सही का निर्णय आएगा, जो गलत है वो गलत का निर्णय आएगा। तो हम लोगों के जीवों के विश्लेषण में पहली गड़बड़ी है कि हम उसको पहला क्या मान लेते हैं, हम तो मनुष्य की तरीके से। अब वो जो मनुष्य की लीलाएं की थी उसको इसीलिए कहा गया लीला। लीला मतलब ही होता है जो सच नहीं होता, उसी को कहा गया लीला, लीलम लाती। भगवान की कोई भी लीला वास्तव में सच नहीं है, इसीलिए उसका नाम ही क्या रखा गया, लेकिन हम उस लीला को क्या समझ बैठते हैं, सही में रोए, सही में चुराया, सही में किया, तो ये भूखे होंगे तो इनको शादी करनी थी तो इन्होंने 1000 से शादी कर ली। अब ये जो चिंतन जब व्यक्ति सोचता है कि इन्होंने इससे शादी की, तो आप उसकी इसकी दृष्टि ये देखो कि इसने पहले उनको भी क्या मान लिया है, ईश्वर तो माना ही नहीं है, तो आप कैसे इसका विश्लेषण कर सकते हो। वाह, तो पहला जो पक्ष है वो याद रखना चाहिए, भगवान सदैव ही दैवीय वृत्तियों के साथ जुड़े रहते हैं। अब इससे आपका और हमारा भी विश्वास और बढ़ना चाहिए। जो असली पक्ष है, जो सीखने लायक पंक्ति है, वो ये है। अब ये आवश्यकता है कि जितनी दैवीय वृत्तियों की संख्या हम बढ़ा लें तो उतना ही उसकी स्थिति, उसकी उपस्थिति हमको क्या होने लगेगी, समझ में आने लगेगी। जिसके जीवन में जितनी दैवी वृत्तियां हो उसको उतना एहसास हो जाता है। तो पहला स्वभाव क्या हो गया, ब्रह्मा देवेभ्यो विजिज्ञे, स्पष्ट हो गया पहला। तो ब्रह्म ने विजय हासिल की अपने लिए नहीं, देवेभ्यो ये शब्द याद रखना, स्वयं के लिए कोई जीत और हार की उसको आवश्यकता नहीं है। वह जो ईश्वर है वो देवताओं के लिए, देखो ये हमारे और आपके लिए समझने की चीज है। हम तो उसी पर आरोप लगा देते हैं कि ये तो मर रहा था, ये तो जी रहा था, वो जो कर रहा था वो किसके लिए कर रहा था, हमारे लिए, उसको व्यक्तिगत कोई भी आवश्यकता नहीं थी। ब्रह्मा देवेभ्यो विजिज्ञे, नाउ नेक्स्ट, तस्यः ब्रह्मणो विजये। जब भी संग्राम होवेगा तो ये स्पष्ट याद रखने वाली चीज है कि जो विजय होगी वो किसकी होगी, ये तो अभी से लिखा हुआ है, भले संग्राम अभी से बाद में भी होवे। अच्छा आप देखो, वो देवासुर संग्राम, ये इन्होंने लीला, ये
समुद्र मंथन की लीला, आखिर कौन जीता? समय लगा लेकिन जीता कौन? फिर देवता जीत गए। जब जब भी देवता गए हैं तो भगवान ने देवताओं का पक्ष तो लिया ही, जरूरी इंतजार करवाया है, समय की प्रतीक्षा थी। लो दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, उसने विजय हासिल की। अब कभी भी वह विजय का जो श्रेय है वो अपने आप नहीं रखता, ये ईश्वर का दूसरा स्वभाव है। दो स्वभाव की बात की थी मैंने, ईश्वर कभी भी अपने श्रेय को नहीं जताता है, या ईश्वर कभी भी श्रेय को भी नहीं रखता। और क्या बोले, ये विष्णु सहस्रनाम, अमानदि मानदो नित्यम, आता है शब्द। जो स्वयं का स्वभाव है वो कैसा है? अमानी। अमानी मतलब कुछ नहीं है, मान मतलब मापना, मैंने बताया ना, उन्होंने ज्यादा मापा ना उन्होंने कम मापा, ना उन्होंने जैसे हैं वैसे नापा, मान नापा ही नहीं। तो खुद का स्वभाव कैसा है? अमानी। पर दूसरे को क्या बोल देते हैं? मानदा। ये देखो, ये स्वभाव है। द मतलब देना, नारद द मतलब देना, ददाती। अमानदी अमानी मानदो, दूसरे को सदैव ही क्या करते हैं, वो मान देते हैं। देखो जी, मतलब जब भी विजय होएगी, कभी भी कुछ होए, तो वह श्रेय को अपने पास कभी भी, वह तो मान को ही नहीं रखते, तो श्रेय को अपने पास क्या रखेंगे? स्पष्ट हो गया? मतलब वह श्रेयार्थी नहीं है, वो भूखे नहीं है किस चीज के, कि हम सब चीजों का क्या ले जाएं। श्रेय मतलब इंग्लिश में क्रेडिट, कि ये काम मेरे जरिए से हुआ, मैंने करवाया, मेरी उपस्थिति, ना 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 ना, इस बात का तो एहसास ही नहीं कराते। देखो जी, ये आध्यात्मिकता का लक्षण है। और उससे भी बड़ा एक ये लक्षण है कि उसको भूल जाना। क्या भूल जाना? कि मैंने ये काम, तो दूसरा व्यक्ति आपको ये बोले कि नहीं ये तो आपने कराया, तो इससे बढ़िया तो और हो ही नहीं सकता। लेकिन हमारे साथ तो उल्टा है, हम तो 100 बार रटते हैं उसी चीज को, तो हो गया गड़बड़। फिर तो 100 बार रट के उस व्यक्ति को याद दिला देंगे, तो कतई ना बोले, भूल जाए क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। ये देखो, ये ईश्वर का स्वभाव की बात कह रहा हूं भी आज। अमानदी अमानी मानदो नित्यम, स्पष्ट हो गया? अच्छा, इसी अमानदी मानदो, रामचरितमानस में इसको चौपाई को क्या बोला गया? ओ मिश्रा जी, मिश्रा द्वे, सब ही मान प्रद, आप अमानी। देखो सब ही, देखो कैसे ट्रांसलेशन, देखो कैसा है विष्णु सहस्रनाम का। विष्णु सहस्रनाम में जो आया वो आई अमानदि, अमानी मानदह, मानदह मतलब देने वाला। भगवान खुद कैसे हैं? अमानी।